दोस्तों, आसमान में एक अनोखी चमक दिखने वाली है जो हमें एक पुराने दोस्त की याद दिलाएगी। 13P/Olbers नाम का एक धूमकेतु जो लगभग 70 सालों बाद हमारे सौर मंडल में वापस आ रहा है। जैसे एक पुराना खिलौना फिर से मिलने पर खुशी होती है, वैसे ही इस धूमकेतु का लौटना खगोलविदों और आम लोगों के लिए भी बहुत खास है। ये धूमकेतु कैसा दिखेगा, ये कहाँ से आएगा, हम इसे कैसे देख सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस धूमकेतु की कहानी भी सुनेंगे जो हमें हमारे विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक दिखाएगी। तो चलिए इस अद्भुत नजारे के साक्षी बनते हैं और अपने आसमान को एक नए नजरिए से देखते हैं। धूमकेतु असल में बर्फ, धूल और चट्टानों का मिश्रण होते हैं। जब ये गोला सूरज के पास आता है तो उसकी गर्मी से बर्फ पिघलकर गैस बन जाती है। ये गैस और धूल मिलकर एक बादल जैसा बनाते हैं जिसे हम कोमा कहते हैं। सूरज की गर्मी इस कोमा को पीछे की ओर धकेलती है जिससे धूमकेतु की पूंछ बनती है। ये पूंछ कई रंगों में चमक सकती है, जैसे नीला, हरा या सफेद। धूमकेतु की ये पूंछ ही उसे सबसे अनोखा और सुंदर बनाती है। जब हम रात में आसमान में इस चमकदार पूंछ वाले तारे को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में खो गए हों। इस धूमकेतु में भी ऐसी ही पूंछ देखने को मिलेगी। 13P/Olbers हमें सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बारे में बता सकता है, जैसे एक पुरानी किताब हमें इतिहास के बारे में बताती है। इस धूमकेतु का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि अरबों साल पहले जब हमारे ग्रह बन रहे थे तब क्या हुआ करता था। ये धूमकेतु हमारे लिए एक खजाने की तरह है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। 13P/Olbers को खास बनाने वाली बात है इसकी लंबी यात्रा। ये धूमकेतु बाकी धूमकेतुओं से अलग है क्योंकि ये सूरज का एक चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय लेता है। ये लगभग 69 साल में एक बार सूरज के पास आता है। जैसे एक बच्चा जब अपने जन्मदिन का इंतजार करता है, वैसे ही वैज्ञानिक भी इस धूमकेतु के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 13P/Olbers हमारे सौर मंडल के एक बहुत दूर के और ठंडे इलाके से आता है जिसे ऊंट बादल कहते हैं। ये ऊंट बादल सूरज से इतना दूर है कि वहाँ हमेशा अंधेरा और बहुत ज्यादा ठंड होती है। इस बादल में अरबों खरबों बर्फीले गोले तैरते रहते हैं जो धूमकेतुओं का घर होता है। कभी कभी किसी तारे या ग्रह की वजह से इन गोलों में हलचल होती है और उनमें से कुछ सूरज की तरफ खींचने लगते हैं। 13P/Olbers भी ऐसा ही एक गोला है जो ऊर्ट बादल से निकलकर सूरज की तरफ आ रहा है। जैसे एक बच्चा अपने घर से दूर किसी नए शहर में घूमने जाता है, वैसे ही ये धूमकेतु भी अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। 13P/Olbers धूमकेतु अपने तय समय पर वापस आ रहा है, जैसे एक घड़ी की सुइयां घूमकर फिर से उसी जगह पर आ जाती हैं। इस धूमकेतु का अपना एक रास्ता है जिसे हम कक्षा कहते हैं। ये कक्षा सूरज के चारों ओर एक बड़ा घेरा बनाती है। 13P/Olbers इसी कक्षा में घूमते हुए हर 69 साल में एक बार सूरज के पास आता है। धूमकेतु अपनी इस कक्षा में घूमते रहते हैं और समय आने पर सूरज के पास वापस आ जाते हैं। 13P/Olbers भी इसी नियम का पालन करता है और अब उसका समय आ गया है कि वो अपनी कक्षा में घूमते हुए सूरज के करीब आए। पिछली बार ये धूमकेतु 1956 में हमारे पास आया था और अब 2024 में फिर से आ रहा है। जैसे एक रेलगाड़ी अपने तय समय पर स्टेशन पर आती है, वैसे ही ये धूमकेतु भी अपने तय समय पर सूरज के पास वापस आ रहा है। 1 जुलाई 2024 को 13P/Olbers धूमकेतु अपनी सबसे ज्यादा चमक पर होगा। जैसे एक दीपक की लौ सबसे तेज जलती है, वैसे ही इस दिन यह धूमकेतु भी सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। इसका कारण यह है कि इस दिन यह धूमकेतु सूरज के सबसे नजदीक होगा। जितना कोई धूमकेतु सूरज के करीब होता है उतनी ही उसकी बर्फ पिघलती है और उसकी पूंछ और कोमा बड़ा और चमकीला होता जाता है। हालांकि 1 जुलाई को यह धूमकेतु दिन में ही अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाएगा, जिसे हम शाम के समय दूरबीन की मदद से देख सकते हैं। यह हमारे लिए एक खास मौका होगा जब हम इस धूमकेतु की सबसे चमकदार और सुंदर अवस्था को देख पाएंगे। 13P/Olbers धूमकेतु को देखने के लिए आपको शाम के समय आसमान में उत्तर पश्चिम दिशा में देखना होगा।
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपने घर के आंगन में खड़े होकर सूरज ढलने की तरफ देख रहे हों, तो उस तरफ से थोड़ा दाईं ओर आपको ये धूमकेतु दिखाई देगा। जून के महीने में यह धूमकेतु रात के समय भी दिखाई देगा, लेकिन जुलाई की शुरुआत में यह जल्दी डूब जाएगा। इसलिए इसे देखने के लिए आपको सूरज ढलने के तुरंत बाद ही कोशिश करनी होगी। ध्यान रखें कि यह धूमकेतु हर रोज अपनी जगह थोड़ा बदलता रहेगा, इसलिए आपको एक स्टार चार्ट या किसी ऐप की मदद से इसकी सही लोकेशन पता करनी होगी। लेकिन अगर आप सही दिशा में देखेंगे तो आपको एक धुंधला सा तारा दिखाई देगा जिसकी पूंछ उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। यही 13P ओनलबर्स धूमकेतु होगा। चूंकि ये धूमकेतु बहुत दूर है, इसलिए इसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसे देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है एक दूरबीन का इस्तेमाल करना। अगर आपके पास दूरबीन नहीं है तो आप किसी ऐसे दोस्त या पड़ोसी से पूछ सकते हैं जिसके पास हो। अगर आपके आसपास कोई खगोल विज्ञान क्लब है तो आप वहां भी जा सकते हैं, जहां आपको दूरबीन से इस धूमकेतु को देखने का मौका मिल सकता है। अगर आपके पास दूरबीन नहीं है तो आप एक ऐप की मदद भी ले सकते हैं जो आपको बताएगा कि धूमकेतु आसमान में कहां है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट भी हैं जहां आप धूमकेतु की लोकेशन देख सकते हैं। अगर ये सब कुछ आपके लिए मुश्किल लग रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, आप इस धूमकेतु की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। 13P ओनलबर्स धूमकेतु हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसे एक पुरानी किताब में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही ये धूमकेतु भी अपने साथ बहुत सारी जानकारी लेकर आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु सौर मंडल के बनने के समय से ही मौजूद है, इसलिए जब हम 13P ओनलबर्स का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल कैसा था। इस धूमकेतु में बर्फ, धूल और गैस के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो हमारे सौर मंडल के बनने के समय मौजूद थे। इन पदार्थों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में ग्रह कैसे बने, पानी कैसे आया और यहाँ जीवन के लिए जरूरी चीजें कैसे आईं। इसलिए 13P ओनलबर्स धूमकेतु हमारे लिए एक खजाने की तरह है जो हमें अपने सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में और भी रोचक बातें बता सकता है। क्या आप जानते हैं धूमकेतुओं के बारे में कुछ मजेदार बातें भी हैं? धूमकेतुओं को गंदे स्नोबॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ, धूल और पत्थर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कोई बर्फीला गोला जो गंदगी से ढका हो। इनकी दो पूंछ भी हो सकती है, एक धूल से बनी और दूसरी गैस से। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूरज से दूर जाती है, जैसे कोई बालक सूरज की गर्मी से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करता हो। हेली धूमकेतु तो आपने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही मशहूर धूमकेतु है जो हर 75-76 साल में हमें दिखाई देता है। 13P ओनलबर्स धूमकेतु को देखने का ये मौका बार बार नहीं आता। ये धूमकेतु हमें 70 साल में एक बार ही दिखाई देता है। जैसे हम किसी खास त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक भी इस धूमकेतु का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इसे अभी देखेंगे वो अगले 70 साल तक इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये एक ऐसा मौका है जिसे हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चाहे हम इसे दूरबीन से देखें या फिर किसी क्लब या वेबसाइट की मदद से, इस अनोखे नजारे को देखना एक यादगार अनुभव होगा। तो चलिए इस खास मौके का फायदा उठाते हैं और 13P ओनलबर्स धूमकेतु की अद्भुत दुनिया में खो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।